In the class, I am going to explain you unit 3, topic 3, elements, atom and molecule. First of all, filling the blanks. Blank number 1, 2 or more atom combines to form molecules. जब दो या दो से ज़्यादा atom मिलते हैं तो वो molecule बनाते हैं. Number 2, elements only contain one type of atom. एक element जो होता है वो हमेशा एक किस्म के atom पर मुश्तमिल होता है. 3, the atom of some elements form much bigger group. यानी कि atom के कुछ elements के जो atom हैं वो बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं. नंबर 4, द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन टू हाइड्रोजन एटम जॉइंट टुगेदर. अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना चाहें तो हमें पता चलता है कि इसमें इसके जो हैं वो इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं. नंबर 5, द ग्रुप जीरो एलिमेंट्स आर नॉन रिएक्टिव. ग्रुप पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप जीरो को देखते हैं तो उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी वो रद्दअमल शो नहीं करते हैं. आंसर द क्वेश्चन, व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जीरो नॉट रिएक्टिव. क्वेश्चन इसके क्यों ग्रुप जीरो के एलिमेंट्स जो है रिएक्टिव नहीं होते, रद्द में नहीं करते. दिस इज बिकॉज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेयर्स आर कम्प्लीटली फुल सो दे कैन नॉट लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली. क्योंकि इन एलिमेंट्स के एटम के आउटर शेयर में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो पूरी होती है 8, इसलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एलिमेंट से लेते हैं ना ही देते हैं. एक्सप्लेन हाउ नाइट्रोजन एटम आर ज्वाइनिंग अप टू फॉर्म नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. आंसर, अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन टू नाइट्रोजन एटम ज्वाइन टुगेदर. एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम जुड़े होते हैं. द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन गैस इज N2. इसे नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 है. अब इसकी डायग्राम शो की है. दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन विच हैव टू एटम्स, वन नाइट्रोजन एटम एंड टू नाइट्रोजन. अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन टू नाइट्रोजन एटम जॉइन टुगेदर, देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन गैस इज N2. 7th क्लास, आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी पर लिखना है, उनके मीनिंग्स को फाइल पर लिखना है. दिस इज योर होमवर्क टुडे. अल्लाह हाफिज़.